मुझे बनैबी अंडा तड़का तो देखु ये कैसे सुंदर देखा जाऊँ तो बिना तड़का डाली रे आम आज बनैवा अंडा तड़का आटा भी बहुत टेस्टी आईवा को होटेल स्टाइल परिका तेज चलत आरंभ करसीपिटी को नमस्कार मु गुगली आपण मैंने देखुं गुगली किचन तो मुझे अंडा तड़कार मसला बनवाई मुझे तीन टा अंडा को एमती गोल नीली तो आम प्रथम यार मसला को बन ना तो मुझे अल्प समय पैन को गरम करने को छाड़देवी एवं पैन टी गरम होगला मुझे 2 टेबल स्पून अएल आड करी एवं आमर ये तेलटा गरम हो तो मुझे रखि अंडा बैटर टी ढाने तो ये मुझे किसी गोलमरीच गुंड को आड करे तो ये मुझे भजा हो रखि धनिया और जीरा गुंड को आड करे आपण चाहिए गोलमरीच गुंड बदलने लंका गुंड भी आड करेंगे तो मुझे भल भाव मिक्स करी अंडा भुजिया परिका बनने तो ये मुझे किसी हल्दी गुंड को आड करे मुझे भल भाव मिक्स करे तो देखो आमर एवं अंडाटा भलसे भाजी हो गला मुझे अंडा टी भल भाव भुजिया बन तो आमको एतिक ही अंडा भुजिया दरकार तो एमती साइज रही दरकार तो चलत आम यार मसला बन तो ये मुझे गोटे कड़े को गरम कर तो से मुझे 2 टेबल स्पून अएल आड करी तो बर्तमान आम तेल गरम ही आसला तो मुझे एवं गोटे तेजपत्र देवी तो ये मुझे किसी जीरा को आड करे तो आम ए तेजपत्र और जीरा को भल भाव फ्राई कर तो ये मुझे कटा हो रखि कंचा लंका को आड करे तो ताको भल भाव फ्राई करे तो मुझे पियाज को आड करे मुझे गोटे पियाज को एमती छोट छोट कर चप कर काटि नहीं तो ये मुझे भल भाव मिक्स करे जेपर्यंत आम पियाजर कलर चेंज नई से पर्यटन आम यह मिक्स करे तो ये देखो आम पियाज टी भल भाव फ्राए हो तो मुझे एवं 6-7 कला रसुण आउ गोटे पिंच अदा 3 कंचा लंका को ग्राइंडिंग करें तो मुझे तार पेस्ट को आड करी मिक्स कर तो आप देखिपे मुझे या भल भाव फ्राए कर तो मुझे भल भाव फ्राए कर सारापर एवं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून भजा धनिया जीरा गुंड तो मुझे ए गरम मसला को आड करे आपण चाहिए गरम मसला पाउडर को पछरे भी पकई पारती तो मुझे 2टा टमाटो को चप कर काटि रखि थी ताको मुझे आड करे तो मुझे भल भाव मिक्स करे जेपर्यंत आम टमाटोटी सॉफ्ट न होई आम से मिक्स करे तो आपण भी देखिपे मसला भल भाव कषि तो मुझे 1 टेबल स्पून सल्ट आड करी आपण स्वाद अनुसार सल्ट कम कि अधिक आड करती तो मुझे सब कुछ भल भाव मिक्स करे जेपर्यंत आम टमाटो गुड़िक सॉफ्ट न होई आम से मिक्स करूवा तो आम मसला तले न लगे मुझे गोटे कप पा आड करे एबे मुझे गोलमरीच गुंड को आड करे आपण चाहिए लंका गुंड को भी आड करती तो मुझे सब कुछ पुणी थे भल भाव मिक्स करे तो आमर ए मसलाटा टी समय कषिगला तो मुझे यह किसी समय पर गैस को स्लो फ्लेम रखिक कभर करके रखने तो आम ए 7-8 मिनिट पर कभर आम यार खोली ना तो देखो आमर ये मसलाटा बहुत भल भाव कषि तो मुझे या भल भाव मिक्स करे तो मुझे जो अंडा भुजिया कर रखि थी ताकूबी एड करके भल भाव मिक्स करे तो आपण मैंने भल भाव देखिपे कि आम अंडा भुजिया सहित तो मसला टी भल भाव मिक्स हो गला तो आम ए अंडा तड़का करने आम मसला रेडी तो चलत यह आम कभर करे आम अंडा तड़का डाली प्रिपेयर करवा तो बिना तड़का डाली दे मुझे अंडा तड़का डाली बनई तो आपण देखो तो मुझे गोटे कप बादाम को नहीं गोटे कप गोटा मुग नहीं गोटे कप हरड़ डाली गोटे कप बोट डाली को नहीं तो चलत आम डाली को भले वाश करके प्रेसर कुकर में बसई नवा तो देखो मुझे भल भाव डाली को वाश करे तो
ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଡାଲି ସବୁକୁ ଆଡ୍ କରି ନେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ 3 କପ୍ ଡାଲି ପାଇଁ 6 କପ୍ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 2টা ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବି। ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡରକୁ ଆଡ୍ କରି ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆଡ୍ କରି ନେବି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜଣେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ରଖିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କପଡ଼ା। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ 1/4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚା ପତିକୁ ଆଡ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିନେବି ଆଉ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଛି। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସେଇଛେ ତା ଭିତରେ ପକାଇ ନେବା। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିଥିବେ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ସିଟି ମାରିଲା ବେଳେ ଏ କପଡ଼ାଟି ଖୋଲି ନଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇକି 2টা ସିଟି ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ ଏବେ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ର 2 ହିସିଲ୍ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କି ଆମର ଏବେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର ତଡ଼କା ପାଇଁ ଯେତିକି ଡାଲି ସିଝିବା ଦରକାର ସେତିକି ଆମ ଡାଲି ଏବେ ସିଝି ସାରିଛି ଆଉ ଚା ପତି ଦ୍ୱାରା ତଡ଼କା ଡାଲିର କଲର୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲେ ମସଲା ସହିତ ତଡ଼କାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର ତଡ଼କାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବିନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ଆମ ତଡ଼କାଟା କେତେ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଛି, ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରିକା ହେଇଛି। ତ ଏହାର ଥିକ୍ନେସ୍ ଆପଣ ଏତିକି ହିଁ ରଖିବେ କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ବହୁତ ଥିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତଡ଼କାଟା କେତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ବିନା ତଡ଼କା ଡାଲିରେ ତଡ଼କା ଡାଲି ପରିକା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ